हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ, जय श्री ओमकारेश्वर। अभी हम हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में, ओमकारेश्वर गांव में, और यहां से अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर जी का दर्शन करने के लिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग चार धाम की यात्रा में ये मेरा पांचवा ज्योतिर्लिंग है जो कि हम दर्शन करेंगे आज, ओमकारेश्वर ममलेश्वर का। यहाँ पे ओमकारेश्वर ममलेश्वर इसलिए बोला जाता है कि ओमकारेश्वर जी का दर्शन करने के बाद ममलेश्वर का भी दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे धर्मशाला में रुके हुए हैं, राठौर धर्मशाला, बहुत ही अच्छा धर्मशाला है। तो यहाँ से हम अभी जा रहे हैं नहा धो के ओमकारेश्वर जी का दर्शन करने। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, ये है ओमकारेश्वर का मंदिर और यहाँ से सब कोई अंदर जा रहा है गर्भगृह में। तो यहाँ पे देखो लाइन लग के सब कोई अंदर जा रहा है ओमकारेश्वर जी का दर्शन करने के लिए। तो हम भी अभी जाएंगे अंदर में दर्शन करेंगे। यही है गर्भगृह, यही है, इसी के अंदर में ओमकारेश्वर महादेव है। तो यहाँ पे देखो हम बैठे हुए हैं सीढ़ी पे और यहाँ पे ओमकारेश्वर जी टीवी स्क्रीन में दिख रहे हैं। और बाकी ये सब जितने लाइन लग के जा रहे हैं सब 300-300 रुपये दे के अंदर जा रहे हैं, और फ्री वाली लाइन जो है उधर से आती है दूसरे साइड से, ये 300-300 रुपये दे के सब कोई अंदर जा रहे हैं। तो शीघ्र दर्शन कूपन हर ज्योतिर्लिंग में आपको मिलेगा। बाबा बैद्यनाथ धाम में 250 रुपये है, यहाँ पे 300 रुपये है। हर ज्योतिर्लिंग में आप लोगों को शीघ्र दर्शन कूपन मिलेगा। कितना? 300 रुपये लिए आपसे। तो जी अभी दर्शन करने के बाद हम सीधे आए हैं कहाँ पे, देखो ओमकारेश्वर जी के छत के ऊपर में, ये है गर्भगृह, इसी के नीचे हमारे ओमकारेश्वर जी है। और यहाँ से आप लोगों को एक व्यू दिखाते हैं। पे देखो कुछ ऐसा व्यू दिखता है, सामने नर्मदा जी है और उस पर में राठौर धर्मशाला है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, वहाँ पे ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, अभी वहाँ पे हम जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखो ओमकारेश्वर का मंदिर के छत के ऊपर में, और यहाँ पे देखो एक किला भी है और इधर भी सामने नर्मदा जी है। तो अभी हम ये रास्ते से ऊपर आए, अभी फिर हम जाएंगे नीचे दर्शन करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। हाँ तो जी, हम ओमकारेश्वर जी का दर्शन करने के बाद, आप हमारे पीछे जो मंदिर देख रहे हो ये ममलेश्वर मंदिर है, अभी हम इसी के अंदर में जाएंगे दर्शन करने के लिए ममलेश्वर जी का। आप लोगों को ओमकारेश्वर जी का बहुत अच्छे से दर्शन कराएं, आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन किया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ममलेश्वर मंदिर, श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रवेश द्वार। हाँ तो जी देखो, यहाँ पे गर्भगृह में आए हुए हैं ममलेश्वर महादेव जी का, और आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं ममलेश्वर महादेव का। जय शिव, सबका मनोकामना पूर्ण करे, सबका कल्याण करे, हर हर महादेव, शिव शिव रटे तो संकट कटे। हाँ तो जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा मैंने ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का दर्शन करके अभी हम आए हुए हैं, कपड़ा वगैरह चेंज करके हम आ गए यहाँ पे नर्मदा तट पे। अब हमारे पीछे देख रहे हो ये ओमकारेश्वर जी का मंदिर है, और वहीं पे हम गए थे, वो रास्ते से हम गए थे अंदर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखो नर्मदा जी तट पे कितने सारे नाव है, अभी हम जाएंगे नाव पे चढ़ के एक परिक्रमा लेंगे ये पहाड़ का, और फिर वापस उधर आके उतरेंगे ओमकारेश्वर जी के मंदिर में, फिर वो रास्ते से हम आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं वहाँ पे नीचे घाट पे और वहाँ जाके कोई नाव वाले से बात करते हैं और बात करके फिर घूमने जाते हैं। जी देखो, यही धर्मशाला में हम रुके हुए हैं, राठौर धर्मशाला, यहाँ पे ऑफिस है, आप जाओगे बात करोगे आप लोगों को रूम खोल दिया जाएगा, लेकिन सिंगल पर्सन को यहाँ पे रूम अलाउ नहीं है। सिंगल पर्सन को अलाउ है बताओ? तुम हमको कल बोला था हम सिंगल, हम भी तो सिंगल हैं, हमको कैसे दे दिया?
पहचान गए हम इसलिए, तो सिंगल पर्सन को यहाँ पे रूम अलाउ नहीं है। यहाँ पे देखो अपना साइकिल लगा हुआ है, और अभी चलो हम सीढ़ी उतर के जाएंगे। ये रास्ता सीधे चले जाता है ममलेश्वर महादेव की तरफ, तो यही रास्ते से हम जाएंगे अभी नर्मदा तट पे और नाव पकड़ के जाएंगे, ओमकारेश्वर पर्वत का परिक्रमा करेंगे। तो ये वाला रास्ता जाएगा आपका ममलेश्वर महादेव की तरफ, और ये वाला रास्ता हम जा रहे हैं नर्मदा तट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बोतल खरीदा 20 रुपये में, देखो ये बोतल, इसमें मैं भरूंगा नर्मदा जी का जल। देखो यहाँ पे बहुत सारे नाव लगे हैं, बात करते हैं किसी से, देखते हैं। भैया एक आदमी को ले जाओ, एक आदमी 50 रुपये घूमने जा रहा है, घूमना है। हाँ हाँ शेयरिंग में प्रश्न, वो चक्कर वाले ना पूरा राउंड नहीं। हाँ कितना छोटा राउंड घुमाएंगे, छोटा वाला। कहाँ से? इधर में संगम डैम, हाँ? शंकराचार्य मूर्ति, विष्णु विराट, ऐसे घुमा के नहीं लाओगे? पूरा गोल वाला बंद हो गया, टाइम खत्म हो गया। टाइम खत्म हो गया? हाँ, वो 4:30 बजे तक ही रहता है। तो शेयरिंग में कितना? शेयरिंग में छोटा 150 लगता है, ये तो केवल अभी मंदिर जा रहे हैं। अच्छा मंदिर जा रहे हैं, तो टाइम जो है मेरा ख़त्म हो गया है, और चक्कर नहीं लगा पाएंगे, बस यहाँ से वहाँ पे घूमेंगे। फिर भी जाएंगे तो ज़रूर एक बार बोट पे। किधर ले जाओगे? डैम तक बोट जाएगा, राउंड अभी चक्कर नहीं लगाओगे? एक आदमी कितना लोगे? 150 रुपये लगोगे एक आदमी को, कुछ कम नहीं? चलो भैया किस में? 150 रुपये। चलो आदो जी, देखो यहाँ पे नाव पे आ गए, 150 रुपया लगा मुझे हर पर्सन का। यहाँ पे हम लोग टीम बैठे हुए हैं एक नाव पे, और ज़्यादा राउंड नहीं लगाएगा, बस संगम तक जाएंगे और संगम से फिर इधर आ जाएंगे। गए थे ओंकारेश्वर जी का दर्शन करने के लिए, वो साइड में ओंकारेश्वर जी है और ये साइड में ममलेश्वर जी हैं। यहाँ देखो पहुंच गए संगम के पास, इस जगह पे दो नदियों का संगम है, एक ये साइड में कावेरी है और ये साइड में नर्मदा है। तो ये देखो अपना जो है नर्मदा जी का जल भर गया। वापस घूम के आ गए ओंकारेश्वर जी मंदिर के पास, अभी जा रहे हैं ये साइड में। पिछली बार जब हम नाव की सवारी किए थे तो पूरा ओंकारेश्वर पर्वत का जो परिक्रमा किए थे, इधर से गए थे और उधर से संगम होते हुए घूम के आए थे, इस जगह पे ही मेरा एंडिंग हुआ था। इस बार जो है समय ख़त्म हो गया, इसलिए उस पर नहीं जा पाए। तो यहाँ पे देखो नर्मदा जी का मैंने जल ले लिया, बहुत जगह का मुझे जल लेना है, नर्मदा जी का लेना है, मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, सरस्वती, यमुना, सब जगह मुझे जल लेके इस बार बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी देवघर जाना है। वहाँ दूर में देखो मुझे शंकराचार्य जी का स्टेचू दिखाया, ये जो है अभी साल यही साल में बना है, अभी उसका काम जो है बाकी, अभी काम उधर चल ही रहा है। तो जी घूम फिर के फिर वापस आ गए अपने नर्मदा घाट पे, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं धर्मशाला की तरफ, जहाँ पे हम रुके हैं। आप लोगों को जाके रूम दिखाते हैं और कौन से धर्मशाला में रुके हैं वो दिखाएंगे। फिलहाल आप लोग नर्मदा जी का दर्शन करो और सामने ओंकारेश्वर महादेव जी का दर्शन करो मंदिर का। जय श्री ओंकारेश्वर, हर हर महादेव। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, और मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। हर हर महादेव। तो देखो यहाँ पे हम धर्मशाला में आ गए वापस घूम फिर के, आप लोग राधा कृष्ण जी का दर्शन करो यहाँ पे। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो चलो आप लोगों को रूम दिखाते हैं कौन से रूम में हम रुके हुए हैं, और वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। आप लोगों को ओंकारेश्वर मंदिर घुमा दिए, ओंकारेश्वर जी का दर्शन करा दिए, ममलेश्वर जी का दर्शन करा दिए, और ये भी बता दिए कि आप लोग ओंकारेश्वर में आके कहाँ पर रुक सकते हो अच्छे से, अच्छे जगह पर, और कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में लिखो हर हर महादेव। देखो ये मेरा रूम है, यहीं पे हम रूम में रुके थे, और पीछे से दर्शन होता है ममलेश्वर मंदिर का। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते, वीडियो को करते समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।